आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, हमारे घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हमेशा रहती हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, क्योंकि हमारे घर में जो भी दिक्कतें होती हैं वह पैसों के कारण होती है, लक्ष्मी के कारण होती है, धन के कारण होती है। यदि हमारे घर में आर्थिक तंगी होती है तो हमारे घर में पारिवारिक कलेश होता है। तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक से उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें यदि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की दिक्कत नहीं होगी, आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको क्या करना है, अपने घर में एक लोटा जल हमेशा भरकर रखना है। मंदिर में आप एक लोटा जल हमेशा भरकर रखें। आप चाहे दिन में भरकर रख सकते हैं या रात में, और दूसरे दिन सुबह उठते से ही जब आप घर का मुख्य द्वार खोलते हैं तो उस जल में से थोड़ा सा जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करें। कहा जाता है कि हम यदि हमारे मुख्य द्वार को और अपने मुख्य द्वार पर थोड़ी सी रंगोली, आप रंगोली अवश्य बनाएं, उस पर कुछ फूल रख दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तीसरी चीज़ है, आप अपने द्वार पर बंधन बार अवश्य बांधें। या तो आप आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं या फिर आप आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का किसी का भी आप बंधन बार अवश्य बांधें, जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए आप इन तीन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें और अपने घर में आज से ही नियम बना लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।